मोटापा एक ऐसी समस्या है जो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से टॉर्चर करती है। आप चाहकर भी इसे आसानी से छुटकारा ना पा रहे हैं। बढ़े हुए टोंड, लटकते हाथ और पैरों पर जमी हुई चर्बी, बैक पे दिखने वाले चर्बी से भरे टायर्स, ये सब लोगों की हंसी को न्योता देता है, पीठ पीछे हंसने का कारण भी बन जाता है। लेकिन कुछ लोग इस समस्या का हल ढूंढने के लिए एक्सरसाइज, डाइटिंग और अन्य लाइफस्टाइल में बदलाव लाके भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, फिर थक हार कर वही पुरानी आदतों में रहकर और मोटे हो जाते हैं। ऐसे में वेट लॉस से ज्यादा अपना पेशेंस का वेट लॉस हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपको कोई ऐसी तरकीब मिले जो जद से वेट लॉस करने में मदद करे, तो ये कोई वरदान से कम नहीं होगा। अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम आपको जो नुस्खा बताने जाने वाले हैं, इसके 2 घंटे के रेगुलर इस्तेमाल से आपके पेट के, थाइस की और कमर में जमी चर्बी देखते ही देखते पिघलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, 1 कपूर टेबलेट यानी कि कैम्फर, जिससे पाउडर करना है और इस तेल के साथ मिक्स करना है। आधे से आधा चम्मच विक्स वेपर अब लीजिए। इन तीनों चीजों को मिक्स करें अच्छे से और अपने वो शरीर के हिस्सों में लगा लें जिसमें चर्बी जमी हुई है। इसे हल्के हल्के हाथों से लगा के 2 घंटों तक छोड़ देना। मसाज नहीं करना है, सिर्फ हल्का हल्का अप्लाई करना है। इसके लगाने से आपको पसीना छूटना शुरू हो जाएगा, जो चर्बी को पिघलने की एक निशानी है। आपको इसके लगाने के बाद इसे हवा नहीं लगने देना है, इसीलिए इसे किसी कपड़े या किसी प्लास्टिक से रैप कर सकते हैं। आप अगर इसे लगाकर सो भी सकते हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो इसे लगाकर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आप अपने रेगुलर काम में भी इसे लगा सकते हैं। फिर हल्के गुनगुने पानी से इसे निकाल सकते हैं या फिर आप हल्के गर्म पानी से नहा भी सकते हो। आपको 1 हफ्ते में ही वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ही ऐसे कुछ आसान वेट लॉस के तरीके के बारे में मालूम है तो कमेंट जरूर करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।